श्रेष्ठ वाणियों का श्रवण नहीं किया, कल्याणकारी वाणियों का श्रवण नहीं किया, तो जैसे ये दो कान न होकर ये दो कान न होकर सांप का बिल बन जाए, सांप का बिल बन जाए। कोई आए और इसमें कुछ घोल दे, संगति हमेशा श्रेष्ठ की, संगति हमेशा सत्संगति। भोजन में विष मिला दे, भोजन में विष मिला दे तो बच सकता है, कान में जहर घोल दे तो बिल्कुल बचना मुश्किल हो जैसे। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, महापुरुषों की संगति में रहो, श्रेष्ठ चिंतन करो, श्रेष्ठ वाणियों का श्रवण करो। अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं, स्वयं में वस्तुतः प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। अंधेरे का अर्थ है प्रकाश का अभाव है। और साहब का नाम ऐसा है जैसे घनघोर अंधेरे में किसी ने ज्ञान का दीपक जला दिया हो, दीपक जला दिया। हमारे अज्ञान का, हमारे अंधेरे का समन करने के लिए ही तो ये साहेब की वाणियां हैं। स्वर वेद का स्वर है, वेदों के मंत्र हैं। इसीलिए आत्म कल्याण के जो इच्छुक हैं वे सत्संग का ही अधिक श्रवण करते हैं। सत्संग कम होने से या नहीं होने से सत्संग कम होने से या नहीं होने से केवल किसकी चर्चा होती है, किसकी बात होती रहती है, क्या सोचा जाता रहता है। शरीर संसार ये पदार्थ, मैं तू यह वह इधर उधर, सत्संग न होने से क्या होता है, सत्संग कम होने से क्या होता है, केवल शरीर संसार ये भोग ये पदार्थ, बस इन्हीं का चिंतन चलता रहता है। चिंतन क्या कहें, चिंताएं होती रहती हैं, इनका चिंतन करना है उचित रीति से, जितना आवश्यक हो उतना ही चिंतन करना है। घर परिवार इन संसार के भोगों पदार्थों संबंधों का जितना चिंतन करना है उतना ही करना है, केवल शरीर का ही चिंतन करते नहीं रहना है, केवल संसार की ही चिंता करते रहनी नहीं है। संसार दुखमय है, कोई वस्तु यहां स्थिर रहने वाले नहीं है, सब कुछ बदल रहा है हर क्षण हर पल। चिता मुर्दे को जलाती है, चिता मुर्दे को जलाती है, और जो चिंता है वो जीवित को ही जलाने लगती है। मोह शोक चिंता भ्रमा, मोह शोक चिंता भ्रमा, करो सर्वथा त्याग, अभय महाप्रभु को भजो, देश काल सबला।
सदगुरु कहते। तो सत्संग न होने से, श्रेष्ठ वाणियों का श्रवण न होने से केवल शरीर संसार ये भोग ये पदार्थ मैं तू यह वह, इसी की चर्चाएं चिंताएं होती रहती हैं। इनका चिंतन जितना आवश्यक हो शरीर संसार इन पदार्थों का, बस उतना ही चिंतन करना है, अधिक नहीं। अधिक चिंतन सत्संग का। यही हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है। भारत का अर्थ है जो सदैव प्रकाश में ही रहता है, जो सदैव अंधेरे को छाट रहा है, जो अपने जीवन के परम लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की चतुःसूत्री ही हमारी भारतीय संस्कृति है। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, अर्थ की कहीं निंदा नहीं है। अर्थ को तो यहां पुरुषार्थ की श्रेणी में रखा गया है। उसका सदुपयोग हो, जन कल्याण में अर्थ का उपयोग हो, हमारे ऋषि कहते हैं सतहस्त समाहरा सहस्त्र हस्त संकिरा। ये ऋषि वाणी है, ये भारत की वाणी है। ऋषि कहते हैं एक दो हाथों से क्या कमाते हो, एक दो हाथों से क्या धन का उपार्जन करते हो, अरे सैकड़ों हाथों से कमाओ धन की प्राप्ति करो, सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से सेवा करो, हजारों हाथों से दान करो। सतहस्त समाहर, फिर कहा सहस्त्र हस्त संकीर, सैकड़ों हाथों से कमाओ और देश समाज राष्ट्र के लिए उपयोगी कार्यों में अपने धन का सार्थक उपयोग करो, सेवा करो, दान करो। दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, पीड़ित को और पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। सेवा इसीलिए है, मन को नियंत्रित करने की विधि है ये। केवल साधना के अभ्यास से मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। सर्वप्रथम सेवा भावना है, सहजता है, अभिमान का त्याग है, सत्संग है। सेवा का अर्थ है कि हमारे कारण किसी को भी अज्ञान अधर्म अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले। सब प्रभु के ही जीव है, सबके भीतर वही परम प्रभु है, जो सबके भीतर उसी तत्व को देखता है, वही ब्रह्म विद्या का पथिक। तो ऐसा योगी ही तो सबके लिए उपयोगी होता है। स्वर्वेद महामंदिर का निर्माण इसी सेवा भावना का एक दिव्य स्वरूप है। जहां लाखों लाख भाइयों बहनों के आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होना है, प्रशस्त होता है, जा रहा है। इसीलिए हम बारंबार
अपने श्रेष्ठ संकल्पों की पुनरावृत्ति करते हैं। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, ये धर्म से मोक्ष की यात्रा है। ये बंधन से मुक्ति की यात्रा है। साहेब कहते हैं, हंसा हंसा तू तो सबल था, हंसा हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंग रंग या और किया लगवा। तू सबल था, तू सनात था, इसका अर्थ है प्रकृति से परे था। जो यात्रा है अध्यात्म की महापुरुषों के द्वारा प्रतिपादित, वह यात्रा है धर्म से लेकर मोक्ष की, परमानंद की, परम शांति की। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक काम का सेवन, किंतु हमारे जीवन का जो मुख्य पुरुषार्थ है वह मोक्ष है, वह परम आनंद है। किस लिए हमें यह शरीर मिला, यह जीवन मिला, उसका अनुभव हो जाए। इसीलिए ये चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और इसी की चतुःसूत्री हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है। गृहस्थ संत इसको ही उपलब्ध हो जाता है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा घृतः कस्य सिद्धनम्, त्याग पूर्वक उपभोग। मेरा मुझ में कुछ नहीं, साहब क्या कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, ये शरीर ही हमारा नहीं है। मैं प्रायः कहता रहता हूं, अगर ये शरीर हमारा रहता, अगर हम केवल शरीर तक ही सीमित रहते, अगर हम केवल इस शरीर तक सीमित रहते तो हम इस शरीर को लेकर चले जाते। हम माँ के गर्भ से शरीर लेकर तो आ गए हैं, हम सब शरीर लेकर तो आ गए हैं, किंतु शरीर लेकर जा नहीं सकते। ये ले लिया जाता है क्योंकि हमारा है नहीं। ये शरीर हमारा रहता, इतनी आसक्ति है हमें, इतना मोह है इससे। इतनी आसक्ति है, इतना मोह है। सद्गुरु कहते हैं स्वर वेद में, मोह महा आवर्त है। अगर ये शरीर हमारा रहता तो हम इस शरीर को लेकर चले जाते। हम लेकर तो आ गए, लेके जा नहीं सकते क्योंकि हमारा है नहीं, उसने दिया है, उसकी कृपा से मिला है। ये एकमात्र ईश्वर की कृपा है कि मानव का चोला प्राप्त हुआ है, मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। अन्य जीव किन किन शरीरों में भटकते जा रहे हैं, जहां आत्म कल्याण का कोई चिंतन नहीं। भिन्न भिन्न प्रकार के अनंत जीव भिन्न भिन्न शरीरों में भटकते जा रहे हैं, वहां कोई चिंतन है क्या आत्म कल्याण का? मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ये जानने की कोई जिज्ञासा है क्या?
कोई सत्संग है क्या? स्वयं के प्रति कोई जिज्ञासा है? केवल भोगों की अधिकता है, और जहां केवल भोगों की अधिकता है वहां और कुछ नहीं, वहां केवल दुख ही दुख है, वहां केवल दुख ही दुख है। भोगों की अधिकता ही दुख है। ये मानव जीवन है, मानव शरीर ईश्वर का ही प्रसाद है। ईश्वर ने प्रसन्न होकर यह प्रसाद दे दिया है, यह प्रसाद दे दिया है। यूं ही नहीं मिल गई है जिंदगी, यूं ही नहीं मिल गई है जिंदगी, और यूं ही नहीं गंवा सकते। केवल शरीर का ध्यान रखने के लिए यह शरीर नहीं मिला है, केवल संसार का ध्यान रखने के लिए यह शरीर नहीं मिला है। हम शरीर कहें या संसार कहें, दो बात नहीं है, बात एक है। हम शरीर कहें या संसार कहें, एक ही बात है। केवल शरीर का ध्यान रखने के लिए शरीर नहीं मिला है। कौन हूं मैं? स्वयं से हम दूर नहीं जा सकते। हम अणु आत्मा हैं, हमारी शक्ति सीमित है। क्यों? क्योंकि हम आबद्ध हैं, हम बंधे हैं शरीर में। आंखों से देख रहे हैं, कानों से शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, सूंघने की शक्ति है, त्वचा से स्पर्श कर रहे हैं, जिह्वा से रस ले रहे हैं। ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तीता है, ये चरपरा है, ये कटु है, ये कसाय है, ये तिक्त है। जो कुछ भी बाहर है उसे हम ग्रहण करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी है, वो बाहर की तरफ ही दौड़ती है, वो बाहर की ही तरफ जाती है, वो सब बाहर का समाचार लेती है। आंखों से बाहर का, कानों से बाहर का, नासिका से बाहर का, जिह्वा से बाहर का, त्वचा से, जो सिर के शीर्ष भाग से पैर के तलवे तक त्वचा है, त्वक इंद्रिय है, जिससे संपूर्ण शरीर आवेष्टित है, उससे बाहर का, जो कुछ भी है बाहर का, हमें समाचार चाहिए। हमारी शक्ति बिखर रही है। ऋषि कहते हैं, आत्मानं रथिरं विद्धि शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तो सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च, इन्द्रियाणि हयानाहुर् विषयास्ते सुगोचरान्। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणः। कितनी सुंदर उपमा दी है हमारे ऋषियों ने। शरीर रथ है, ये शरीर को कहा कि ये रथ है, और इतना सर्व साधन संपन्न सुंदर ये शरीर है, ये ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है। नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम् हि किंचित्, मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ अन्य नहीं। इतनी श्रेष्ठ उपमा हमें दी है।